जनवरी का 28 को नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस में इंडिया गठबंधन को छोड़ के इंडिया अलायंस में चला गया। नीतीश का जो इंडिया अलायंस में जाने का वो मेरे लिए बहुत हार्ड हुआ, इसलिए मैं आज जनता दल यूनाइटेड का स्टेट का अध्यक्ष और प्राइमरी मेंबरशिप को मैंने आज इस्तीफा दे दिया। सबसे पहले मीडिया प्रतिनिधि को मोस्ट वेलकम। आज का जो फ्रेश वाइज जो मेरा स्टेट जनता दल यूनाइटेड का स्टेट अध्यक्ष का जो आज में रिजाइनेशन हमारा अपना ऑनरेबल नेशनल प्रेसिडेंट को बिहार का चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी को सौंप दिया, बाय ईमेल में भेज दिया। तो जनता दल यूनाइटेड में मैं 2019 में ज्वाइन किया। आफ्टर पार्टी जॉइनिंग एंड होल द स्टेट कम्बिनर, तो आफ्टर 2 मंथ इलेक्शन कमीशन ने स्टेट इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन को डिक्लेयर किया। तो हम लोग ने 15 सीट असेंबली सीटमेंट का जो टिकट दिया, चुनाव लड़ाया। आउट ऑफ 15 जनता दल यूनाइटेड ओन 7 MLA, दैट मीन्स सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन द स्टेट। बहुत हम लोग ने संघर्ष किया पार्टी के लिए। एंड सेकेंड 2020 पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटी इलेक्शन में हम लोग ने ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 20 का 20 सीट हम लोग ने फील किया था, लेकिन उसमें से 6 वार्ड जो कॉरपोरेटर कैंडिडेट को बीजेपी ने पूरा पुरस्कृत करके कुछ कुछ लोगों को पैसा दे के नॉमिनेशन भी फाइल होने नहीं दिया, और कुछ लोगों को सिलेंडर करने दिया, विड्रॉ करने दिया, ऐसा करके देन वी हैव 14 वार्ड। 14 वार्ड में जनता दल यूनाइटेड ने हम लोग 9 जीता और बीजेपी 5 जीता और NPP 1 जीता। तो ऐसा हम लोग ने पार्टी बहुत स्टेट को पार्टी को ला के हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो ऐसा मेहनत करने के बाद तो अभी 2024 का चुनाव आ गया। 2 साल से मैं पार्लियामेंट इलेक्शन चुनाव का लड़ने का तैयारी कंटिन्यू संघर्ष कर रहा था। वो मैं अपना तरफ से मैं कैंडिडेचर प्रपोज नहीं किया, नीतीश कुमार ने नेशनल प्रेसिडेंट राजीव रंजन लालन सिंह ने मुझे बोला आप चुनाव लड़ना है। हाई कमान का आदेश का मुताबिक मैं चुनाव को पूरा तैयारी किया और जनवरी का 3 तारीख में सारा देश भर का न्यूज़ में मेरा नाम पूरा वायरल हो गया कि नीतीश कुमार दिसंबर का तारीख को नेशनल का अध्यक्ष का पोस्ट को इस पद को लेते ही जनवरी का 3 तारीख में मुझे जनता दल यूनाइटेड का देश भर में पहले कैंडिडेट मेरा नाम अनाउंस किया। इसके बाद जनवरी का 28 को नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस में इंडिया गठबंधन को छोड़ के इंडिया अलायंस में चला गया। तो ये एक बहुत मेरा पर्सनल पॉलिटिकल करियर मुझे बहुत हार्ड किया। मैं नीतीश जी को इसका पर्सनैलिटी को, इसका बिहेवियर को
में बहुत अच्छा पाता है। अभी भी मैं दिल से नीतीश जी को बहुत अच्छा पाता है। वो मुझे बहुत प्यार किया और मुझे बहुत रेस्पॉन्स लिया। मैं जब भी कॉल करता है वो मेरा फोन को कॉल बैक करता है और मुझे बहुत बेटा जी से ट्रीट किया। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। लेकिन इन कंटेक्स्ट ऑफ द पॉलिटिक्स सिनेरियो ऑफ स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नीतीश का जो इंडिया अलायंस में जाने का वो मेरा लिए बहुत हार्ड हुआ। इसलिए नीतीश ने इंडिया गठबंधन से इंडिया में आने का इस डिसीजन को मैं बहुत नफरत करता हूँ। इसलिए मैं आज जनता दल यूनाइटेड का स्टेट का अध्यक्ष और प्राइमरी मेंबरशिप को मैंने आज इस्तीफा दे दिया। और हमारे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी को मैं भी बोल दिया, नॉर्थ ईस्ट का कन्वीनर को भी बोल दिया, और मैं नेशनल का जो एमपी लोगों को भी मैंने बोल दिया, सबको मैं इंटीमेशन दे दिया। और मैं दूसरा जिसे चुरी चुके चलने वाला नहीं है, मैं कोलम कोला से बोल दिया। क्योंकि मुझे जनता ने 2 साल से इस नज़रिया में देखा है कि रूही तागोंग वेस्टर्न पार्लियामेंट में चुनाव लड़ना है और जनता मुझे चाहता है चुनाव में आना है। उसी का कारण मेरा एक मजबूरी हो गया कि मैं जनता दल यूनाइटेड का स्टेट का अध्यक्ष को और पार्टी को चुनना पड़ा। तो आज मैं तुंती पोर चुनाव का पार्लियामेंट वेस्टर्न पार्लियामेंट में चुनाव का मैदान में लड़ने के लिए मैं उतर रहा हूँ। इसलिए आज मैंने पार्टी को इस्तीफा दे दिया और पार्टी प्रेसिडेंट को भी इस्तीफा दे दिया। इस बीच में अरुणाचल का जितना भी पॉलिटिकल जो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ने जा रहा है, सब लोग रूलिंग को ढूंढता है। मेरा दोस्त लोग मुझे बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देता है, रूही नीतीश जी ने आपको बहुत आपका रास्ता को खोल दिया, आप MLA जीताएगा, मंत्री आपका पार्टी से मंत्री रहेगा, आपको भी चेयरमैन मिलेगा, आपको स्कीम मिलेगा, आप बहुत धोनी हो जाएगा। बहुत लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन लेता है, लेकिन मेरा दिल जो है बहुत दुखी में है। जनता को सेवा करना, रूलिंग में रह के सेवा करने का बनता नहीं है। ऑपोजिशन में भी रह के भी सेवा कर सकता है, रूलिंग में भी रह के भी सेवा कर सकता है, जनता को कहीं भी रह के दिल से सेवा कर सकता है। पार्टी से नहीं है, दिल इंसान का सोच, इंसान का जो जनता के लिए काम करेगा, आपका सोच नहीं रहेगा, आप रूलिंग में भी MLA रहो MP रहो, जनता को क्या सेवा करेगा? अगर आप मन बनाएगा जनता को सेवा करेगा और क्या मन बनाएगा, आप कहीं भी रहो ना, इंडिपेंडेंट में भी लड़ो, कहीं भी रहो, आप जनता के लिए अच्छा काम करेगा, अच्छा के लिए जनता का भलाई के लिए काम करेगा, यही है। इसलिए बहुत लोग अरुणाचल का लोग, टिकट नहीं मिलने वाला लोग, बहुत लोग अभी दुखी होके नाराज होके भी बैठ रहा होगा, लेकिन जनता इंसान को देखेगा ना, पार्टी को नहीं देखेगा ना। कम लोग है कि जो पार्टीबाजी में देखेगा, बहुत लोग है आदमी का पर्सनैलिटी को देखना चाहिए। मैं अरुणाचल का बुतर्स को भी आज यही कहना चाहूँगा कि इंसान का पर्सनैलिटी को देखो ना, पार्टी को मत देखो, पैसा को मत देखो ना, इंसान कितना तक जनता को सेवा करने चाहता है, इसका दिल को देखो, इसका सोच को देखो, इसका करेक्टर को देखो ना। हाँ, बहुत लोग है ये बोलने जानता है जनता के लिए काम करेगा, ये सुंदर है ये जनता के लिए काम करे, ये रूलिंग है ये जनता के लिए काम करे, ऐसा नहीं है। दिल को देखो ना, सच में वो जनता के लिए कितना काम कर सकता है। मैं आज रूलिंग का अलायंस का पार्टी से मैं आज इस्तीफा दे के मैं कहीं भी इंडिया ब्लॉक का कहीं भी पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए मैं तैयारी है, ऑपोजिशन बेंच है।
और अगर अपोजिशन बेंच कहीं भी पार्टी में नहीं मिलेंगे, मैं इंडिपेंडेंस अभी लड़ने के तैयार है और जनता के लिए मैं काम करने के लिए तैयार है, और मैं मन बना लिया और मरेगा तो जनता का साथ मरेगा और जिएगा तो जनता का साथ जिएगा बोल के मैं ये डिसीजन कर लिया। इसलिए मैं आज स्टेट का पार्टी का प्रेसिडेंट को और जनता दल यूनाइटेड से मैं इस्तीफा दे दिया, यही है। इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा तो यही है कि मैं चुनाव लड़ना है, मुझे चुनाव लड़ना है 2024 में, इसलिए मैं इस्तीफा दे दिया। क्या जेडीयू से आपको टिकट नहीं मिल रहा था? जेडीयू तो इंडिया इंडिया अलायंस, हाँ, इसलिए मैं जेडीयू में नहीं लड़ सका, यही है। तो आगे आप कोई पार्टी ज्वाइन करने के लिए सोचे? पार्टी तो मैं विद इन टू डेज मैं पार्टी का ट्राई करेगा, कौन से पार्टी में लड़ेगा मैं डिसाइड करेगा। अभी भी स्टिल आप एमपी के लिए लड़ेंगे ना? यस, मैं 2 साल से तैयारी चल रहा हूँ एमपी के लिए। ठीक है, लास्टली कुछ अपील पब्लिक को? पब्लिक को यही मैं अपील करना चाहूँगा, लाइफ में मैं बहुत संघर्ष किया हूँ, मेरा लाइफ तो उत्तोदरिया से शुरू किया, मैं कई ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, जनता जो बोलता है एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस का बात करता है ना, एक्सपीरियंस जो है एक्सपीरियंस जो बोलता है कि हर तरह का जो स्ट्रगल किया ना, जो लेबर करके आया, जो संघर्ष करके आया ना, एवरी फील्ड में जो एक्सपीरियंस करके आया है, उस इंसान को देखिए जनता, नॉट ओनली फॉर पार्लियामेंट इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन ऑल्सो, आप लोग जनता वोटर्स लोग देखिए, आपका लीडर आपको सेवा करने के लिए फील्ड में उतरा है, तो इसका सोच को देखो, उसका एक्सपीरियंस को देखो ना, वो कितना लाइफ में इसका स्ट्रगल करके आया ना। जमीनी का लीडर का बात करता है बहुत लोग, जमीनी का लीडर जो आईएएस ऑफिसर उसको जमीनी का लीडर नहीं बोलेगा, हाँ, इंजीनियरिंग डॉक्टर लोग को जमीनी का लीडर नहीं बोलेगा, जो जमीनी का लीडर बोलता है कि जो हर तरह का लाइफ को स्ट्रगल करके जो लोग आया है, हर पी का एक्सपीरियंस करके आने वाला को, उसको जमीनी का लीडर बोलता है ना, उसको जमीनी का लीडर बोलता है। मैं इस बहुत से इंटीरियर फ्लैश ताली सबसे डिफरेंट कॉन्स्टिटेंसी तुमती ताली असेंबली से बिलोंग्स करता है, जहाँ रोड कम्युनिकेशन है, फिलहाल तो हो गया, पेमा कांडू जी का जो आशीर्वाद से अभी ये हो गया, तो इस कंस्टेंसी से मैं बिलोंग्स, मेरा जन्मभूमि का कंस्टेंसी है, तो मैं बहुत ये एक जो छोटा से एक गरीब फैमिली से बिलोंग्स किया, और मैं बहुत वर्कर्स का भी काम किया, पार्टीबाजी का भी काम किया, बहुत यूनियनबाजी का भी काम किया, ऑटो रिक्शा का ड्राइवर से ऑटो रिक्शा का लीडर्स और एसोसिएशन का गाड़ी का लीडर, क्या क्या का मालती जो ऑर्गेनाइजेशन का लीडर से मैं काम किया। तो कुछ दिन के बाद मेरा जो कैलेंडर, मेरा एक्सपीरियंस का भी सब लोगों का पास वायरल हो जाएगा, मैं कितना काम करके आया ना, तो मेरा एक्सपीरियंस को लोग एक बार देखने में मिलेगा, मैं कितना काम करके आया, मैं लाइफ में कितना लोगों को सेवा करके आया, कितना ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम करके आया, लोग दिखाई देगा, बहुत जल्द पब्लिक डोमेन में आएगा, दिखाई देगा। इसलिए मैं जनता को अपील करेगा कि आप मेरा एक्सपीरियंस को एक्शन में आने के लिए, लोगों को एक बार सेवा करने के लिए मुझे मौका दें ना, एक बार मुझे मौका दें, देखिए ना। लास्ट क्वेश्चन, आप एमपी इलेक्शन खेलेंगे और देखा जाए तो आपका सामने भी तो बहुत बड़ा कंटेंडर है, और आप किस तरह इसको मतलब तो यही करेंगे, मतलब लेंगे, मतलब चुनौती तो बहुत बड़ा है आपका, एक नंबर। दूसरा बात है ये मनी कल्चर को लेकर आप क्या अपील करेंगे? दो चीज़ें अपना, आपका सामने बहुत बड़ा चुनौती है, और दूसरा है मनी कल्चर को लेकर, बिना पैसे में तो होगा नहीं।
तो चुनाव तो देखिए डेमोक्रेसी है, अपना अपना सोच विचार से चुनाव लड़ने के लिए सब आता है ना, तो उसको तो कोई मना नहीं कर सकता है। मेरा भी सोच है कि मेरा भी एक जनता को सेवा करना है, तो कैंडिडेट तो बहुत लोग आएगा, तो मैं तो किसी कैंडिडेट के अगेंस्ट में नहीं है। मुझे अपना जनता को सेवा करने का मेरा मकसद है। मैं किसी को हराएगा या किसी के अगेंस्ट में कुछ मेरा सोच विचार नहीं है, मैं सिर्फ जनता के लिए काम करना चाहता है, ये मेरा सोच है। और मोनी कल्चर का जो बात है ना, मैं अरुणाचल का जनता को और बड़ा बड़ा जो मालदार जो पॉलिटिशियन लीडर लोगों को भी अपील करता है, देखिए जनता को दिल से डिसीजन करने दो ना, पैसा का देख के डिसीजन करने में दो ना, जो आप चुनाव का जो बटन दबाता है, आप पैसा से डिसीजन करने देगा तो अरुणाचल कैसे चेंजेस लाएगा ना, अरुणाचल कैसे पॉलिटिकल चेंजेस लाएगा, अरुणाचल कैसे डेवलपमेंट चेंजेस लाएगा। इसलिए मैं रूलिंग वोमेन को भी अपील करता है, मोनी कल्चर को आप लोग बंद कीजिए। हमारा पास तो पैसा नहीं है बिल्कुल, मेरा पास तो पैसा नहीं है, मेरा पास कुछ भी नहीं है ना, ना मैं बिजनेस करता है ना कॉन्टेक्ट करता है, मेरा पास कुछ नहीं है। मैं जनता को भरोसा में, जनता पक्का मुझे प्यार करेगा और जिसे भी मुझे वोट देगा, ये उम्मीद में हमारा है। इसलिए मोनी कल्चर को नंबर वन पॉलिटिशियन लीडर लोग को पैसा इंडिविजुअल बांटना इसको छोड़ने से अच्छा है। सरकार को भी मैं, इसका बाद वोटर को भी मैं यही अपील करता है, पैसा देने वाला को पैसा लेके देने वाला को उल्टा नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो करप्शन करने जा रहा है। वो जान वोटर को पैसा देके इसका बाद वो तो जनता के लिए क्या काम करेगा, वो करप्शन करने जा रहा है ना। पैसा ले लो, जो पैसा दिया है उसको भूत नहीं मानना है, जो नहीं दिया है उसको मानना, भूत मानना चाहिए, ये मेरा जो जनता को अपील है। आप लास्ट एक एजेंडा बताइए कि आप किन किन एजेंडा को लेकर जनता का बीच में जाएंगे। जैसे आप रूलिंग पार्टी तो बहुत कुछ एजेंडा लेके जा रहे हैं, आप क्या एजेंडा लेके जनता का बीच में जाएंगे? देखिए स्टेट में बहुत कमियाँ हैं जो हम लोग नज़र में दिखाई दे रहा है। लीडर जो करना था वो नहीं कर रहा है, लीडर जो बोलना था वो नहीं बोल पा रहा है ना। कितना इशू है, वो इशू तो काउंटलेस है। हम लोग मीडिया वाला तो देख रहा है, अनदेखा जैसे मीडिया वाला भी हो रहा है। फोकस करना है, मल्टी इशू है, जो लीडर बोलना चाहिए नहीं बोल रहा है, जो लीडर करना चाहिए नहीं कर रहा है। इस चीज़ को मैं आवाज़ उठाने के लिए आया है। कितना लोग विक्टिमाइज हो रहा है, कितना लोग मर रहा है ना, हाँ कितना यहाँ जो करप्शन हो रहा है, इस चीज़ को मैं एक बार लीडर बन के देखेगा, लोगों को दिखाएगा लीडर क्या काम करता है ना, लीडर किस चीज़ को बोलना है, लीडर किस चीज़ को करना है, ये डिफरेंस को तो हम दिखा के जाएगा।